नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रयुक्त नन बट को ओनली या अलोन में बदलकर नेगेटिव सेंटेंसेस में एफॉर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे नन बट यू वांटेड टू हेल्प हर ओनली यू वांटेड टू हेल्प हर नन बट अदिति कैन डू दिस वर्क ओनली अदिति कैन डू दिस वर्क या फिर ये भी बोल सकते हैं अदिति अलोन कैन डू दिस वर्क नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त नो सूनर देन को एज सोन एज में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे नेगेटिव सेंटेंस है एफॉमेटिव में नो सूनर डिट द बेल बिल देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लास एज सोन एज द बेल रैक द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम पहले नेगेटिव वाले में एफोमेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करने का रूल था no नो सूनर था तो अब देन की जगह कॉमा लग जाएगा नो no सुनर की जगह एस एस लग जाएगा और हम जिसको भी फॉर्म में में पास कन्वर्ट करते थे नो सुनर no में उसको अब उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है रूल नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त नेगेटिव नेवर बट को वेनेवर या वेन में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस से एफोमेटिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्सेटर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्सेट आई नेवर गो टू यू बट डू नॉट फाइंड यू नेवर आई गो टू यू आई डोंट फाइंड यू यदि नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे कंपेरेटिव डिग्री में बदलकर एफोमेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे ही इज नॉट एज फट एज आई आई एम बैटर देन ही मीना इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज वी वी इज मोर ब्यूटीफुल देन मीना यदि नेगेटिव सेंटेंस कंपेरेटिव में हो तो उससे पॉजिटिव डिग्री में बदलकर एफोमेटिव में ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे ही इज नॉट वाइजर देन यू यू आर एज वाइज एज ही आई एम नॉट बैटर देन यू यू आर एज वेल एज आई यदि नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे सुपोलेटिव डिग्री में बदलकर भी एफॉमेटिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसे नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड नो अदर एनिमल इज सो फिरोशियस एज अ टाइगर द टाइगर इज द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स यदि नेगेटिव सेंटेंस सो दैट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे टू टू का प्रयोग कर एफोमेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले ही वॉज टू वीक टू प्ले द न्यूज इज़ सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेज हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर रूल के आधार पर नहीं होता ऐसे नेगेटिव सेंटेंस के अर्थ को समझकर कर सुटेबल वर्ड या फ्रेज का प्रयोग कर देना चाहिए जिससे कि वो नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जैसे योर फॉर्चून डिड नॉट इम्प्रूव विद टाइम योर फॉर्च्यून बिकेम वर्स विद टाइम डोंट मेक अ नॉइज कीप क्वाइट ही इज नो फुल ही इज अ क्लेवर मैन डोंट स्मोक हेयर रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हेयर

फॉर इंटरचेंजिंग ऑफ इंटरगेटिव एंड एसर्टिव सेंटेंस इंटरोगेट सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के नियम रूल वन ऑक्री वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसम करते हैं स्टेप वन इंटरगेट फॉर्म ऑफ सेंटेंस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुलटॉप में बदलकर लिखना है स्टेप टू इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नो नॉट नेवर एक्सेट्रा का प्रयोग नहीं हो तो एसर्टिव में नेगेटिव वर्ड्स नो नॉट नेवर एक्सेट्रा का प्रयोग जरूरत के मुताबिक करना चाहिए और इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स नो नॉट नेवर का प्रयोग हो तो एसर्टिव में इनको प्रयोग नहीं करना है क्वेश्चन मार्क अर्थात नोट ऑफ इंटरोगेशन की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करना है जैसे आर यू अ स्टूडेंट यू आर नॉट अ स्टूडेंट आर यू नॉट अ स्टूडेंट यू आर अ स्टूडेंट इस तरह यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो, तो उसे असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एवरी वन नो वन नो बडी नान का प्रयोग करना है केस इसमें दो केस रज़ होते हैं पहला यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हो तो एसर्टिव सेंटेंस को एवरी वन में स्टार्ट करना है और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग ना हो तब उसमें नो वन नो बडी नान इन सब का यूज़ करना है जैसे हु डज़ नॉट नो नेहरू अब इसमें हु से स्टार्ट हुआ है तो हम एवरी वन लगाएंगे तो एवरी वन नोज पंडित नेहरू हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ गांधी जी एवरी वन हैज़ हर्ड ऑफ़ गांधी जी हु डज नॉट विश टू भी हैप्पी एवरी वन विशेज टू भी हैप्पी ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हैं जैसे असर्टिव सेंटेंस में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे वैन विल ही बिकम एन इंजीनियर हीवर बिकम एन इंजीनियर वैन विल माई डॉटर हैव सेंस माई डॉटर विल नेवर हैव सेंस हाउ कैन आई रिपे योर सिंपथी आई कैन नेवर रिपे ऑर सिम्पथी वॉट मोर कैन यू डू यू कैन डू नथिंग मोर एसर्टिव सेंटेंस से इंटरगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने का नियम सामान्यतः एसर्टिव सेंटेंस को इंटरगेटिव में ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टेप वन एसर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप को इंटरगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क में बदलकर लिखें एसर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स डू नॉट नू नॉट नेवर एक्सेट्रा का प्रयोग नहीं हो तो इंटरगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग जरूरत के मुताबिक करना चाहिए या फिर अगर नेगेटिव आ, असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग हो तो इंटरोगेटिव में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क कर, का यानी नोट ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करें जैसे ही मेक्स अ नॉइस डज ही नॉट मेक अ नॉइस गांधी जी डिड नॉट टेल डिड गांधी जी टेल ही वॉज गिल्टी वॉज ही नॉट अ गिल्टी यदि असर्टिव सेंटेंस एवरी वन नो वन नो बॉडी नन से स्टार्ट हो तो उसे इंटरगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हु का प्रयोग करते हैं जैसे यदि दो केस राइज होंगे इसमें यदि असर्टिव सेंटेंस एवरी वन से स्टार्ट हो और नेगेटिव कब वर्ड का, का प्रयोग नहीं हो तो इंटरगेटिव को हु से स्टार्ट करना चाहिए और सुटेबल नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहिए यदि एसर्टिव सेंटेंस नो वन नो बॉडी नन से स्टार्ट हो तो इंटर्गेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हु का प्रयोग होता है और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता जैसे एवरी वन लवस कंट्री हु डज नॉट लव्स दिस कंट्री अब इसमें केस वन आता है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है तो उधर जाके इंटरगेटिव में नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होगा उसी तरह एवरी वन नो श्रीमती गांधी हु डज नॉट नो श्रीमती गांधी